यार बहुत अच्छा लगा यार। अगर मैं बात करूं अनु कपूर जी की, आप बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो पता नहीं होता यार, तब कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टर भी बनना है, क्या करना है पता नहीं होता, बस स्कूल जाते थे आके वही डेली लाइफ। जब धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, आप देखते हो उनको, फिर जब उनके साथ मौका मिलता है, इवन इवन विद परेश रावल जी, विजय राज, सीमा पावा, राजपाल यादव एंड मनोज जोशी, इवन आयुष्मान, अनन्या, मतलब सबके साथ बहुत अच्छा था काम करना। एक ऐसा लग रहा था कितने दिग्गज लोग आपके सामने हैं और आपको उनके साथ परफॉर्म करना है, उनके साथ सिर्फ परफॉर्म, उनके साथ प्रॉपर सीन्स हैं आपके बड़े बड़े। तो ऑब्वियसली एक होता है यार कि मैं ठीक जाएगा कि नहीं, मैं कहीं एक्स्ट्रा टेक्स ना ले लूं, कहीं वो कहीं ऐसा ना हो, तो बड़े थॉट्स होते हैं बीच बीच में कि उनको ज्यादा टेक्स देने नहीं है या क्या है क्या नहीं, तो एक होता है। पर वो सोच थी, जब काम करा तो पता चला है नहीं यार, सब साथ में ही काम करते हैं, इट्स लाइक अ टीम वर्क। मतलब अगर आप फंबल करते हो तो वो खुशी खुशी सारे सपोर्ट करते हैं, नहीं यार दोबारा ले यार और अच्छे से ले, तो ये बहुत सपोर्ट मिला है एंड आई एम ग्लैड। फिल्म को भी बहुत प्यार मिला है एंड आयुष्मान बाजी का उसमें काम बहुत अमेजिंग है, वो क्या नाचे हैं लड़की बन के, तो इट्स ही इज लुकिंग ग्रेट एंड बहुत सारा प्यार मिला ऑडियंस से। 100 करोड़ हो गई इंडिया में और अच्छा अभी भी लगी हुई है, तो आई एम ग्लैड यार ऐसी फिल्म आई मेरी लाइफ में। और बस मैं वेट कर रहा हूँ मैं ड्रीम बॉय कब बनूंगा किसी लड़की का।